हेलो दोस्तों, आज के इस VPN सेटिंग को जो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस VPN सेटिंग से आपका इंटरनेट स्पीड जो है बेहतर होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। काफ़ी बार मैंने दिखा है कि यहाँ पर नेट चलाने में आप लोगों कभी धीरे हो जाता है, कभी स्पीड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपको अब नहीं आएगी। इस VPN सेटिंग को जरूर अपनाइए। तो सबसे पहले आप लोग को VPN सेटिंग करने के लिए जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन दिख सकता है, या फिर डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, सबके फ़ोन में अलग अलग होता है, तो अपना सिम कार्ड मैनेजर चूज़ कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको जियो सिम किस में लगाए हुए हैं, सिम वन में या सिम टू में, तो आपको अपना चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पर सिम वन में लगाया था, तो उसको टच करने के बाद आपको नीचे एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है, उसको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर रिजेक्ट कर देना है, 2 सेकंड का रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरा रजिस्टरिंग हो चुका है। अभी ऊपर में प्लस का ऑप्शन देख सकते हो, या फिर आपका नीचे भी प्लस का ऑप्शन हो सकता है, तो उसको एक बार टच करना है। और टच करिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करने का जो है आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम में यहाँ पर आपको लिखना है स्पीड सीरीज लिखना है, SERIES, जो कि एस कैपिटल होगा। उसके बाद लिखना है 2.0, उसके बाद इसको भी कर देना है सेव, ठीक है। सीरीज स्पेस 2.0, उसके बाद आता है APN। APN को आपको यहाँ पर लिखना है जियो, और इसमें स्पेस नहीं देना है, NET जियो नेट, जो कि उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। उसके बाद आता है प्रॉक्सी को नोट सेट रहने दे। उसके बाद आता है यूज़र नेम, पोर्ट को भी नोट सेट रहने दे। उसके बाद आता है यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है bot.2.0, जी हाँ bot.2.0, इसको भी कर देना उसके बाद सेव, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आप ध्यान से देखिएगा, वरना आपका इंटरनेट स्पीड नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है पासवर्ड को नोट सेट रहने दे। उसके बाद आता है सर्वर में आपको लोग को यहाँ पर लिखना है www.jio.com। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। उसके बाद आता है MCC MMSC MMS Proxy MMS Port, ये तीनों को आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है MSC MCC MNC, ये आपका एरिया कोड होता है, इससे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको एक बार टच करना है, और यहाँ पर सबसे नीचे वाले में पेपर चेप कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको भी नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसमें आपका IPv4 या फिर IPv6 हो सकता है, तो आपका IPv4/IPv6 सबसे नीचे वाले में कर देना है। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी वही करना है, नीचे जाकर IPv4/IPv6 कर देना। उसके बाद आता है बेयरर, जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है APN का। तो सबसे पहले इसमें टच करने के बाद अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी करके LTE पे क्लिक कीजिए, SSPAP पे, HSUPA और EDGGPRS, इसको आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर दीजिए सेव। उसके बाद यहाँ से एक बार इतने सारे सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ LTE पे क्लिक करके छोड़ दिए। MVNO टाइप को नन रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में जाके सेव कर दीजिए, हो सकता है आपका नीचे सेव का ऑप्शन दिया हो सकता है। सो सेव करने के बाद आपको एक बार सीरीज 2.0 में टच कर देना, जिससे कि आपको इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगा। सो कमेंट करके जरूर बताएं कि इंटरनेट स्पीड हुआ है या नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।